सुजानपुर युवा कांग्रेस द्वारा एसडीएम सुजानपुर कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया और प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय में हुए पीपीए किट और सैनिटाइजर घोटाले के निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए महामहिम राज्यपाल को एसडीएम सुजानपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पूरा पालन किया गया। सुजानपुर यूं का अध्यक्ष सचिन ठाकुर ने कहा कि जिन्हें आज महामारी जैसे बुरे वक्त में झंडा उठा के सबसे आगे चलना चाहिए था, वही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक आम जनता के पैसे पर अपनी जेबें भरते हुए पकड़े गए। इस मौके पर प्रदेश महासचिव चंदन राणा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस घोटाले से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले के लिए सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना बहुत से सवाल खड़ा करता है, जिसे मुख्यमंत्री अभी तक भागते दिखे हैं। उनके साथ रितेश, विवेक, अभिषेक, ऋषभ, राजकुमार, दिनेश ठाकुर, राजेश सोनी, सम्मी, निशांत ठाकुर और आशीष यादव युवा कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सचिन ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जिला हमीरपुर के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। इस कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होना, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश को पूरी देश और दुनिया में कलंकित किया है, बल्कि इंसानियत को मिटा देने वाला धब्बा जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगा है। साथियों, आप सबने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कैसे हमारी माताओं बहनों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने जेबी खर्चे से जो है वो सीएम रिलीफ फंड में जो है अपना पैसा दिया था, और सरकार घोटाले के तौर पर जो है वो इस फंड को इस्तेमाल कर रही है। आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर सुजानपुर विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा महामहिम राज्यपाल को एसडीएम सुजानपुर के माध्यम से आज एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले की न्यायिक और निष्पक्ष जांच की हमने मांग की है। ये वही विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, जिसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साध रखी है सारे मामले में, और घोटाला संगठन में होता है लेकिन जो इस्तीफा है वो घोटाला सरकार करती है, लेकिन इस्तीफा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। और अभी तक प्रदेश की चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, इस मामले से भागता फिरता नजर आया है। तो आज हमारी यूथ कांग्रेस ने निर्णय किया था और 68 विधानसभा क्षेत्रों में आज सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, और आज एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई कि इस सारे मामले की न्यायिक जांच हो, और जो उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी एक निष्पक्ष कमेटी बैठाई जाए और उसके अंतर्गत ये सारी जो जांच है, प्रक्रिया है, वो लागू की जाए।